लोकसभा चुनाव आगामी 11 अप्रैल को होने हैं। सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, लेकिन इस बार चुनाव में जनता ने भी अपना मन बना लिया है कि उन्हें सांसद वही चाहिए जो कार्य करके दिखाए। आज सीएमएन न्यूज की टीम ने भी लोगों की प्रतिक्रिया जानी। क्या कहा लोगों ने, आइए सुनिए। शर्मा जी, क्या चाहते हैं आपकी जो सेंटर में सरकार आए तो औद्योगिक जगत को क्या फायदे होने चाहिए उसको? औद्योगिक जगत से पहले, सबसे पहले जो हमें वो सरकार चाहिए जो ग्रास रूट लेवल से काम करना स्टार्ट करे। सिर्फ और सिर्फ भाषण देना और लोगों के अंदर अंधकार फैलाना और लोग बिना देखे भेड़ चाल पे किसी एक को, कोई सी भी पार्टी को फॉलो करना, ये नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं, क्योंकि जिस सिटी में हम रहते हैं हरिद्वार, और यहीं पर हमारा बिजनेस है, तो हम ये चाहते हैं कि इस शहर से ही सबसे पहले डेवलपमेंट होना शुरू हो। इस सिटी को आज की डेट में स्मार्ट सिटी होना चाहिए था, और क्योंकि टूरिस्ट इतने आते हैं, कांवर के टाइम पे 3 से 4 करोड़ लोग इस शहर में आते हैं पिछले 50 साल से। बट अगर आप यहाँ की स्थिति देखें, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा, बट हमें सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पर जिस शहर में हम रहते हैं, हम उससे ये चाहते हैं कि हमारे देश को, सबसे पहले जो हमारा देश, हमारे लिए भी इस समय हरिद्वार है, इस शहर को ऐसा बनाया जाए जिससे हमें लगे कि डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि नहीं हो रहा। दूसरा, आम आदमी को झूठ बोल बोल के, झूठे वादे दे के अगर आप वोट मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात, वो लोग दे रहे हैं जो देंगे। मेरी सबसे विनती है कि अंधे होकर वोट ना दें। और सबसे मेन बात, ये जितने भी नेता होते हैं, जब ये वोट मांगने आते हैं तो ये आपके सामने ऐसे बन जाते हैं कि जैसे ये आपके लिए कुछ भी करने को उतर जाएंगे। बट यहाँ के ही आप विधायक देख लीजिए, मैं सिर्फ अपने शहर की बात कर सकता हूँ, जब ये सीट पे आते हैं तो इन्हें, इनसे मिलना एक आम आदमी की तो पहुँच से बाहर है, और वो उन्हीं की बदौलत बने, ये चीज़ वो भूल जाते हैं। तो मेरा लोगों से ये अनुरोध है कि वोट साफ दिमाग से दें, बिना भेड़ चाल दिए अपना दिमाग का उपयोग करते हुए सरकार को चुने, और अपने प्रदेश, अपने देश, अपने शहर का डेवलपमेंट देख के वोट दे, बिना किसी की दूसरे की सोच और भेड़चाल में। हमारी के समस्त समाज की यह उम्मीद रहेगी कि जो भी सांसद हो, शिक्षा के लिए कार्य करे, राम मंदिर को बनवाए, स्वास्थ्य के लिए कार्य करे, बेरोजगारी को दूर करे, और जब शिक्षित हो जाएगा समाज तो अपने आप रोजगार उसको प्राप्त होगा। कार्य तो जो सत्ता में रहते वो करते ही हैं, सभी कुछ न कुछ कार्य करते हैं, मगर ये जो मूल कार्य हैं, मूल उद्देश्य हैं, उनको अवश्य जो है ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए।